मिस्टर सागा के मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और सियासी रहनुमा जफर अजीज ने मियां आमिर रजाक डायरेक्टर निजाम टीवी और सदर पीस फॉर लाइफ के एजाज में वतन कोआप रेस्टोरेंट मिसेस सागा में तकरीब का एहतमाम किया और पाकिस्तान की मईशत और दरपेश मसाइल पर इजहार ख्याल किया। मियां आमिर रजाक से इंटरव्यू के दौरान जफर अजीज का क्या कहना था आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आज मिसेस सागा वतन को आपे मेरे हर दिल अजीज़ पाकिस्तान में और कनाडा में ये एक बहुत बड़ा अजीम नाम है। बहुत ही अच्छे पाकिस्तानी की खिदमत करते हैं जनाब मोहतरम और काबिल एहतराम हमारे दोस्त भाई और दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानियों का जनाब जफर अजीज़ साहब। जी जफर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आमिर साहब से मुलाकात हुई। इनको मैंने मदऊ किया था यहाँ पर। असल में पाकिस्तान के हवाले से हमारे बहुत कंसर्न्स हैं और ये पिछले चंद सालों से जो पाकिस्तान में कुछ जो कुछ हो रहा है तो हर कोई पाकिस्तानी बहुत ही फिक्रमंद है, बल्कि यूँ लगता है कि पाकिस्तान के बहुत कुछ स्टेक पर लग चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वक्त आ गया है कि हम में से हर कोई बंदा उस जिम्मेदारी का रोल अदा करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, कि तुम में से हर एक ज़िम्मेदार है और हर एक से उसकी ज़िम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों को जो पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ में हैं वो मैं कहता हूँ कि अल्लाह की खातिर और दीन इस्लाम की खातिर और पाकिस्तान की खातिर मुतहद हो जाएं और आपस में जो नफरतें उनको मिटा दें और कौम और मुल्क के मफाद के लिए और वहाँ पर जो अवाम पाकिस्तान के अवाम अच्छा इतराज से पिस रहे हैं 75 ईयर्स से पिस रहे हैं उनके हालात को बदलने के लिए मुतहद हो जाएं और ये जो रवायती जो सियासत है पाकिस्तान में इसको बदला जाए। ये जो नसल दर नसल जो है इसको जो है बदला जाए और उस मुल्क में निज़ाम में तब्दीली लाई जाए। इन एवरी स्ट्रीट इन एवरी सिटी एंड इन एवरी विलेज The silent homes tell us the stories, sometimes remind us of the stories of our elders, singing the songs of happy moments, and some show that dreams come true. These homes smile in the shadow of parents. They light up the life in relationships. These homes become the fruit of worships by adorned faith and belief in generations. These silent standing homes say to everyone, homes are always built with love in relationships and a stronger home by Model Steel. So, let's build a stronger home.